नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में कौन कौन से फॉर्मूला एरर होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला एरर्स और उसे कैसे हैंडल किया जाए। पहला फॉर्मूला एरर है अनआइडेंटिफाइबल फॉर्मूला एरर। हैश नेम क्वेश्चन मार्क के द्वारा वो रिप्रेजेंट होता है। यह फॉर्मूला तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई फॉर्मूला लिखता है और जो कि एक्सेल में पहले से अवेलेबल नहीं है। एक्सेल ने जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने जो बिल्ड किया पहले से उस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। फॉर्मूला एरर स्पेलिंग मिस्टेक के कारण भी हो सकता है। एक एग्जांपल के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं इसे। अगर हम सम फॉर्मूला लगाते हैं एम की जगह अगर हम गलती से एल लिख देते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हैश नेम एरर प्रोड्यूस हुआ क्योंकि SUL नाम का कोई फंक्शन एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए एक्सेल एरर प्रोड्यूस कर रहा है। करेक्शन करने के लिए आप सीधा सीधा एल की जगह एम रख दें, ये अपने आप नॉर्मली बिहेव करने लगेगा। दूसरे टाइप का एरर टब प्रोड्यूस होता है जब नंबर टेक्स्ट की तरह स्टोर होता है और वो सेल टेक्स्ट की तरह फॉर्मेट किया रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सम फॉर्मूला लगा हुआ है A13 to A15, लेकिन ये 0 आंसर दे रहा है जबकि होना चाहिए 6 आंसर। और यहाँ आप देख सकते हैं सेम फॉर्मूला लगा हुआ है सेम इनपुट के साथ, यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो रीजन है फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट किया गया है, टेक्स्ट को सम नहीं कर सकते और टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड की तरह अलाइन होता है और नंबर बाय डिफॉल्ट राइट साइड की तरफ अलाइन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लेफ्ट की तरफ अलाइन है, इसके लिए टेक्स्ट है और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप टेक्स्ट लिखा हुआ है। और इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, डाटा में जाइए और रेंज को सिलेक्ट कीजिए, बाद में डाटा में जाइए टेक्स्ट कॉलम डेलिमिनेटर सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट करते जाइए, देन जर्नल पे क्लिक कीजिए, फिनिश कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर अभी करेक्ट आ रहा है। अगर मैं इस रेंज को अगर मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ, मैं डाटा टेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और फिनिश करता हूँ तो जैसे कि अब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया और आंसर 0 हो गया है। जब कभी भी फॉर्मूला में रोंग टाइप ऑफ इनपुट डाला जाता है और गलत टाइप का जानकारी डाला जाता है तभी भी फॉर्मूला एरर प्रोड्यूस होता है। इस एग्जांपल में जैसे कि आप देख सकते हैं फाइंड एग्जांपल लगा है, फाइंड स्पेस सिंगल स्पेस A23 में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें 3 पैरामीटर रिक्वायर चाहिए, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट एंड स्टार्ट नंबर। यहाँ पर स्टार्ट नंबर नहीं पुट किया गया है इसलिए एरर दे रहा है, ये फॉर्मूला में एरर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप एक नंबर लिख देते हैं तो ये नॉर्मली बिहेव करेगा और टेक्स्ट का पोजीशन देगा, स्पेस का पोजीशन देगा। अगर इनपुट वैल्यू ऑप्शनल नहीं है तो आपको अवश्य लिखना चाहिए, नहीं तो एरर प्रोड्यूस होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फिर से एक हटा दिया, एरर फिर से प्रोड्यूस हुआ, एक फिर से डाल दिया, एरर हट गया और हमें करेक्ट रिजल्ट मिला। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मुझे इस डेट को दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना है, टेक्स्ट में दो इनपुट डालना जरूरी है, वैल्यू एंड फॉर्मेट टेक्स्ट। वैल्यू में हमने डाला है और फॉर्मेट टेक्स्ट भी किया है, बट रॉन्ग टाइप ऑफ फॉर्मेट टेक्स्ट है जो एक्सेल से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। अगर मैं इसको रॉन्ग करेक्ट सही इनपुट टाइप से रिप्लेस करता हूँ, जैसे कि मंथ एंड एंटर करता हूँ तो करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आंसर करेक्ट दे रहा है, दिसंबर रिजल्ट आ रहा है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि
लार्ज फंक्शन में दो इनपुट चाहिए रहता है एरे, और कौन से नंबर का, कौन से पोजीशन का लार्ज नंबर चाहिए। मैंने दोनों इनपुट डाला है, बट आप जैसे कि देख सकते हैं ये रेंज में दो जो सेल्स हैं वो टेक्स्ट है, और टेक्स्ट में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, क्योंकि नंबर्स में डिसाइड कर सकते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इसके लिए ये एरर प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं इधर नंबर लिखता हूँ, कुछ नंबर लिखता हूँ और रेफरेंस चेंज करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरा बड़ा नंबर 2 है और ये करेक्ट आंसर दे रहा है। अगला टाइप का एरर है डिवीजन बाय ज़ीरो एरर। जैसे कि आप सब जानते हैं मैथ्स में अगर हम कोई भी नंबर डिवाइड बाय ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो से भाग देते हैं, तो इन्फिनिटी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, असंख्य। पर एक्सेल में इसे डिवीजन बाय ज़ीरो एरर से शो करते हैं। दूसरे टाइप का एरर है एक्सेल अपना रेफरेंस नहीं चेंज कर पा रहा है, और ये हैश रेफरेंस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सम फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, अगर अलग, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सम फॉर्मूला अप्लाई किया गया है A36 to C36, और अलग भाषा में आप ये कह सकते हैं कि ये सम फॉर्मूला लेफ्ट साइड का 3 कंटिन्यूस सेल जोड़ रहा है, सम कर रहा है। अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ B37 में, देन आपको रेफरेंस एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इधर जैसे कि आप देख सकते हो ये लेफ्ट का 3 कंटिन्यूस सेल सम कर रहा है, और यहाँ पर लिखने पर एक्सेल कोशिश करता है कि लेफ्ट का 3 कंटिन्यूस सेल सम करे, जबकि यहाँ पर केवल 2 सेल ही अवेलेबल है, तीसरा सेल अवेलेबल नहीं है, इसके लिए रेफरेंस एरर प्रोड्यूस कर रहा है। अगला एरर है नॉट अवेलेबल एरर, और यह वीलुकअप में प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर मैं वीलुकअप फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। यह तभी प्रोड्यूस होता है जब आपका लुकअप वैल्यू रेफरेंस टेबल में नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर कुछ भी नहीं लिखा है और टेबल में कुछ भी नहीं है, इसके लिए नॉट अवेलेबल एरर बता रहा है। अगर मैं संडे लिखता हूँ तो प्रॉपर आंसर देगा, संडे देगा। अगर मैं फ्राइडे लिखता हूँ तो नॉट अवेलेबल एरर बताएगा, क्योंकि ये लुकअप लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। अगला टाइप का एरर है ई प्लस एरर और हैशेस टाइप का एरर। एक्चुअली ये एरर नहीं है, ये तभी प्रोड्यूस होता है जबकि उसके अंदर का कंटेंट और नंबर का जो लंबाई है सेल के लंबाई से ज़्यादा होता है। अगर ऐसा कंडीशन है तो आपको इस टाइप का फॉर्मेटिंग मिलेगा। आपको करना ये है कि थोड़ा आप उसका चौड़ाई बढ़ाइए, एंड यहाँ पे जाइए होम में जनरल नंबर पे क्लिक कीजिए, वो सेल को सिलेक्ट कीजिए होम, उसके बाद नंबर पे क्लिक कीजिए। अगर मैं इसकी चौड़ाई को कम करता हूँ, देखिए तो हैशेस टाइप का एरर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसका चौड़ाई जो है कम है नंबर्स की चौड़ाई के और कंटेंट की चौड़ाई के। आप सीधा सीधा उसकी चौड़ाई के बराबर एडजस्ट कर दे नंबर के, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आउटपुट वैल्यू अपडेट नहीं होता, करेक्ट आंसर नहीं प्रोड्यूस होता है फॉर्मूला कॉपी पेस्टिंग करने पर। इधर मैं अपर फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। अपर मतलब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा वर्ड। जैसे कि देख सकते हैं जोन कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया है। जैसे मैं ड्रैग डाउन करता हूँ और कॉपी पेस्ट करता हूँ फॉर्मूले को, माइक अपर लेटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ध्यान भी कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सभी में जोन जोन रिपीट हो रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि आपके वर्कबुक का फॉर्मूला सेटिंग कैलकुलेशन मोड मैनुअल किया गया है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, फॉर्मूला पे जाइए, कैलकुलेशन में जाइए, मैनुअल से ऑटोमेटिक पे क्लिक कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट बदल गया है और करेक्ट रिजल्ट दे रहा है,
अगला टाइप का एरर है सर्कुलर रेफरेंस एरर। सर्कुलर रेफरेंस एरर तभी प्रोड्यूस होता है, तभी बनता है जब दो फॉर्मूले अगर एक दूसरे को रेफर करें। मतलब अगर सब जैसे कि आप देख सकते हो A64 and B64, इन दोनों में जो फॉर्मूले लिखे गए हैं वो एक दूसरे को रेफरेंस कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं B64 to B65 का सम किया गया है एंड A64 to A65 का सम किया गया है। दोनों ही फॉर्मूले एक दूसरे को रेफरेंस कर रहे हैं। ये B64 का सम करने के लिए आपको फॉर्मूला A64 का सम करना पड़ेगा और साथ ही साथ A64 का सम करने के लिए फॉर्मूला B64 का सम करना पड़ेगा। मतलब ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, फॉर्मूला एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इस टाइम आपको इस केसेस में फॉर्मूला रेफरेंस प्रोड्यूस होगा। सर्कुलर रेफरेंस एरर आप फॉर्मूला में जाकर, कैलकुलेशन में जाकर, उसके बाद एरर चेकिंग में जाकर सर्कुलर रेफरेंस पे क्लिक करके जान सकते हैं कि कौन कौन से सेल्स में सर्कुलर रेफरेंस एरर आया है। कभी कभी क्या होता है, हम फॉर्मूला एक्सेल में लिखते हैं पर वो काम नहीं करता, वो एज अ टेक्स्ट की तरह लीक उठता है और उसका आउटपुट कुछ जनरेट नहीं होता। जैसे कि मैं इधर अपर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसमें इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर, जिससे कि आप देख सकते हैं जैसा हम लिखते हैं वैसे ही एज अ टेक्स्ट की तरह लीक उठता है, इसका आउटपुट नहीं जनरेट होता है। इसका रीज़न ये है कि ये जो सेल है फॉर्मेटेड है, टेक्स्ट किया गया है। आप जैसे कि होम पर जाकर देख सकते हो, होम पे जाइए नियर, देख सकते हो कि टेक्स्ट में फॉर्मेट किया गया है। आपको करना यह है कि जर्नल पे क्लिक कीजिए, F2 प्रेस कीजिए और एंटर कीजिए। इधर भी देख सकते हैं आप टेक्स्ट में हैं, इधर भी टेक्स्ट में है। जस्ट उस रीजन को सिलेक्ट कीजिए सेल्स को और जर्नल जाकर सेट कीजिए, कर दीजिए। अब आप जैसे कि देख सकते हैं फॉर्मूला बराबर काम कर रहा है। जब कोई एरर प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, तो आप इज एरर और इफ एरर फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। एग्रीगेट भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, बट ये एक्सेल 2010 और उसके बाद में अवेलेबल है। जैसे कि मैं इधर सम फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ सभी सेल्स को जोड़ने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं एरर प्रोड्यूस है, क्योंकि सम फंक्शन एरर को प्लस नहीं कर सकता। सो इसको हैंडल करने के लिए आप इफ एरर फंक्शन, अगर ये पूरा सम और फंक्शन एरर देता तो क्या वैल्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं इफ एरर में 2 इनपुट है फंक्शन और उस अगर एरर आने पर क्या वैल्यू लिखा जाए, वैल्यू इफ एरर में दूसरे वैल्यू इफ एरर में इन इनपुट सम समथिंग इज रॉन्ग, ऐसा लिखूँगा। इन इनपुट समथिंग इज रॉन्ग बता रहा है, क्योंकि अब जैसे कि मैं इधर 2 लिख देता हूँ तो ये सम कर देगा, क्योंकि अभी सम फॉर्मूला एरर नहीं देगा, इसके लिए एरर नहीं आया। आज हम कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर अप्लाई करने के लिए किया जाता है, करंट रीजन पे फिल्टर अप्लाई करने के लिए किया जाता है। करंट रीजन में कहीं भी एक्सेल को सिलेक्ट कीजिए एंड कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिल्टर अपने आप अप्लाई हो जाता है और उसको हटाने के लिए भी आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कीजिए। अगर ये शॉर्टकट नहीं अप्लाई करते हो तो आपको डेटा में जाकर फिल्टर अप्लाई करना पड़ता है, फिल्टर पे क्लिक करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको मेरी समझाई गई बातें समझ में आई। थैंक यू।